हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सुबह के 10:30 हो रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे, और मैगी बनेगी। मेरा दिल कर रहा है, मेरे को ना जैसे मैं खाना खाते हुए वीडियोस वगैरह देखती हूँ, तो मैगी की वीडियो, ये गुड्डू वगैरह देखते हैं ना, शॉर्ट्स वगैरह मैगी वगैरह के खाने के, तो मेरे सामने भी एक मैगी आई। फिर वो मतलब मैंने खुद भी सर्च करी, मुझे अच्छी लगी। आजकल वायरल हो रही है वो मैगी को अलग से बॉयल करो फिर उसको बनाओ, तो वो मैं भी ट्राई करने वाली हूँ, देखते हैं कैसी लगती है। गुड्डू आजा, इनकी रोज छुट्टी हुए जा रही है वेदर की वजह से, रोज ऑर्डर आ जाते हैं। तन्मय के कल 2 एग्जाम है, तेरा भी सेम है, पहले एक होगा 8:30 से 11:30, फिर उसके बाद 1:30 से 2:30 बजे तक। और आज मैं मार्केट भी जाने का सोच रही हूँ कलर वगैरह कराने का, क्योंकि आज मैंने शॉप से छुट्टी ले ली है। काम वाम कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता ही है इससे पहला ब्लॉग देख के कि नेहा नहीं आ रही है, तो काम भी करना है, तो वो भी हो जाएगा, आराम से करेंगे आज, कोई हबड़ दबड़ नहीं। तो ये वाली जो मैगी मैंने देखी थी, मैंने कहा चलो फिर ट्राई करते, मेरा काफ़ी दिनों से दिल हो रहा था जब से देखी थी, और फिर इसी तरह की रील सामने आई जा रही थी। तो इसमें आपने भी देखा होगा मैगी को बॉईल करना होता है, दूसरी तरफ छौंक सा रेडी किया जाता है जिसमें काली मिर्च है और गरम मसाला है, थोड़ा सा जो मैगी मसाला वाला पाउडर था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, और बस इन सारी चीज़ों को मिक्स करके इसमें थोड़ा पानी भी मैं डालूँगी, उसके बाद जो बॉईल वाली मैगी है वो इसमें डाल दूँगी। तो इस तरीके से मैंने ये बनाई थी, हो सकता है कि थोड़ा तरीका और चेंज हो, किसी और तरीके से हो, लेकिन मैंने इसी तरीके से, मैंने ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की, मेरे पास जो थी और जो मुझे ठीक लग रहा था बस वही सब। ऑयल वगैरह जैसे घी में बना रही हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा वो था, मैंने कहा 1 चम्मच तो चाहिए ही, 1.5 चम्मच, तो क्या ही फिर मैं रिफाइंड या तेल डालूँ, तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं रखा ऑयल वगैरह, मतलब थोड़ा सा ही रखा। उसके बाद जब वो हुआ उसमें पानी ऐड कर दिया था, और उसके बाद जो बॉयल्ड मैगी थी वो मैंने इसमें डाल दी है। बस इसके बाद इसको मिक्स कर देना है, जो कि बहुत मुश्किल हो गया था इसको मिक्स करना, क्योंकि मैगी है, मैदा है, वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो उसको मिक्स करना मुश्किल हो जा रहा था। मैंने इसमें लहसुन भी डाला था कूट के, और हरी मिर्च भी डाली थी। बस आज ट्राई कर ली, खाने के बाद अच्छी थी, ठीक थी, ठीक ठीक थी, ऐसी नहीं लगी कि बस अब मुझे बार बार ट्राई करनी है, अब मैं कभी ट्राई नहीं करूँगी। आज ट्राई कर ली, ठीक है, अच्छी बनी, लेकिन एक तो मुझे उतना मज़ा नहीं आया जितना प्याज टमाटर के साथ आता था मैगी बनाने में, और खाने में भी स्पेशली। वगैरह सब हो चुका है और काफ़ी देर से बैठी हुई हूँ, फिर मैंने सोचा कि चलो आपसे बात करते हैं, और गुड्डू ने मुझे आम काट के ला के दिए, आम खाऊंगी। फिर मैंने भैया से बात की है, मुझे जाना है पार्लर, तो उनसे टाइम वाइम का पूछा, अभी तो मेरा मन भी नहीं कर रहा है इस टाइम जाने का, तो अभी तो मैं नहीं जाऊँगी, मैंने बोला शाम को आऊँगी, फिर शाम को जाऊँगी, कोशिश करूँगी कि 5 बजे निकल जाऊँ, थोड़ा सा जो मेरा मार्केट का काम है तीज के लिए वो मैं कर लूँ। विपिन गए हुए हैं देहरादून, उनसे भी पूछना पड़ेगा कि वो 5 बजे तक आ जाएंगे क्या, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा अगर आ जाएंगे तो, वो भी बहुत ज़रूरी काम से गए हुए हैं, बस उनका काम बन जाए तो पता नहीं वो आ पाएंगे, मैं तो चली जाऊँगी फिर रिक्शे वगैरह से, रिक्शा भेज देंगे वो घर पर, तो देखते हैं कैसे होता है कैसे नहीं होता है। और शॉपिंग करूँगी अपने लिए, चूड़ी देखूँगी, चूड़ी का ऐसे चल रहा है कि मेरे पास वो है चूड़ा जो लाइट पिंक कलर का, मेरा बड़ा मन था वो लेने का, वो पहनूँ, नीचे बैठ के खाओ, नीचे बैठ के आराम से, यहाँ बैठ जाओ नीचे यहाँ पे, नहीं बेटा इस तरीके से टपकेगा आम, दोनों बहन भाई आम की प्लेट भर के बैठे हैं, पढ़ रहे थे ये दोनों, क्योंकि इनका एग्ज़ाम है, अब 2 एग्ज़ाम है कल। और हाँ, मैं ना विपिन को रिंग के लिए बोल रही थी ना, तो वो मुझे 25 तारीख को बोल रहे थे, जिस दिन हमारी इंगेजमेंट एनिवर्सरी थी, तो उस दिन बोल रहे थे कि चल ले, मैंने कहा यार मुझे तीज पे दिलाओ, तो मैं पायल का भी बोल रही थी कि मुझे इतनी मोटी मोटी वाली भारी भारी पायल चाहिए, तो देखते हैं क्या लेते हैं, वो भी सोच रही हूँ इनको, अब ये आएंगे तभी तो, वैसे ये बोल रहे थे कि मैं किसी भी दिन ले जा लूँगा तुझे, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, हाँ जो मेरे काम है उनमें टाइम लगेगा। पता है मेरा जो स्टिच सूट है जो मैं तीज पे पहनने वाली हूँ, वो मैंने चेक भी नहीं करा पहन के कि साइज़ मुझे आएगा नहीं आएगा, या कुछ कमी है या कुछ कराना है, सीधा तीज वाले दिन पहनूंगी, पता चला मेरा पागल बन गया, साड़ी पहन लूँगी, एक ऑप्शन और है, और उसके लिए
साथ में लेके जाऊंगी, भूल ना जाऊं कहीं। चूड़ी देखूंगी, अगर मिल गई कोई सुंदर सा सेट तो मैं ले लूंगी, और बिंदी भी थोड़ी अलग सी देखूंगी अगर मिल गई तो, क्योंकि वो ना ग्रीन वैसा है, ग्रीन नहीं है, ग्रीन के शेड होते हैं ना येलो ज़्यादा है, वो येलो ग्रीन मिक्स वाला है। और क्या लेना है मुझे, और जैसे बायने में सामान वगैरह रखते हैं वो सामान लेना है, तो वो सारी शॉपिंग आज मैं निपटा लूँगी अपनी, क्योंकि अब मुझे टाइम नहीं लगता बीच बीच में, तो वो वाला सारा आज काम करूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी क्या क्या लिया। ना तो मैं पार्लर गई क्योंकि विपिन ने बोला था कि मैं 5:30 तक आ जाऊंगा। खैर उन्हें मेरे चक्कर में ही देर हुई क्योंकि थोड़ा सा मेरा काम था सेला कोई में, तो उनको मेरे चक्कर में हुई। तो फिर ये कहने लगे आप तुम जाओ, मैं आप नहीं जाती यार, मैं अभी भी 7 बज रहे हैं बाहर, इतनी रोशनी लग रही है। तो ये आए 6 बजे आए, आप 6:15 बजे आए। मैंने कहा छोड़, मैं सोच रही थी ना कि 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे मेरे काम, तो कुछ आज हो जाएगा और कुछ मैं इतवार में करा लूंगी। पर अब फिर मैंने भैया को भी फोन कर दिया था कि विपिन लेट आ रहे हैं, मैं कैसे आऊंगी, क्योंकि उनकी जो गर्ल्स टीम है फिर उनका भी टाइम है जाने का। तो मैंने कहा आप उनको भेज दो, मैं नहीं आ रही आज, अब मैं संडे में सुबह जाऊंगी। मैंने कहा सुबह में जाऊंगी तो सही रहेगा, शाम में तो नहीं जा सकती क्योंकि मैं 2-2 दिन छुट्टी नहीं कर सकती हूँ, और फिर मुझे जाना भी है कहीं, तो उस दिन मेरी छुट्टी। वैसे तो शॉप ओपन रहती है और ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, शॉप पे आकर भी आप ले सकते हैं और ऑनलाइन तो लेते ही हैं, तो कैसे भी आप ले सकते हैं। तो शॉप तो ओपन रहेगी लेकिन मैं नहीं मिलूंगी उस दिन शॉप पे, तो मुझे जाना भी है, तो अभी मैं छुट्टी नहीं कर सकती कि मैं आज भी ना आऊँ, क्योंकि अपने सामने कुछ चीज़ें होती हैं जो आप कर रहे होते हो, बहुत सारे काम होते हैं जो मैं ही कर रही होती हूँ, तो इस वजह से। तो अभी मैं अपना जो लिपस्टिक बिंदी या जो भी मुझे लेना है, क्योंकि मैं ज़्यादा सामान नहीं लूँगी, बहुत बार ही ऐसा हुआ है कि मैंने काफ़ी सामान ले लिया फिर वो यूज़ नहीं होता, जैसे आई शेडो किट हो गई या कंसीलर हो गया या फाउंडेशन हो गया, सिर्फ एक दिन के लिए ले लेते हैं। मेरे पास एक आधा चीज़ पड़ी हुई है और कुछ पुरानी हो गई है, डेट वेट निकल गई है, जैसे आई शेडो किट वगैरह, तो फिर भी मैंने नहीं ली। मैंने कहा लिपस्टिक से काम चला लेंगे, मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि फिर पैसे वेस्ट हो जाते हैं, यूज़ होता तो नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को सामान दिखाती हूँ, जो सामान मैं लेकर आई हूँ, सामान बहुत थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन अच्छा मेकअप का सामान है तो सभी देखना चाहते हैं। एक मैं ये लिप लाइनर लेकर आई हूँ, ये वाला ब्राउन कलर का, पिंक मेरे पास है, तो एक ये है, और 2 लिप शेड हैं, एक तो मैं ये लगा लिया, मैंने डार्क पिंक है, मैंने थोड़ा हल्का हल्का करके लगाया है, ये वाला, ये है कलर बार का, और शेड नंबर चलो आपको अच्छा लगेगा तभी बता देंगे बाद में, ये भी कलर बार का है, ये वाला शेड है, मेरा मन कर रहा था इस तरीके का कुछ शेड लेने का, ये है आगे शायद का है, शायद ये है एक नेल पेंट, ये वाला, ये एक पाउडर क्योंकि मेरा ख़त्म हो गया था, तो ये है माई ग्लैम का सुपर सीरम कॉम्पैक्ट विद हाइलर, छोड़ो, तो ये है, कई बार ही निकल जाता है सीधा मुझसे वर्ड, कई बार ही उसमें दिक्कत हो जाती है, तो ये एक ये है क्योंकि मेरा इस बार जो फेस पाउडर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। एक ये है लाइनर, ये भी माई ग्लैम का है, और बिंदी का पत्ता, मैं 2 सोच रही थी लेने का, मैं सबसे अच्छी चीज दिखाती हूँ, ये है कड़े इस टाइप से, ये तो ये कड़े है, ठीक है, समझ नहीं आ रहे दिख, मतलब ठीक ब्लर से हो जाते हैं जब पास लाओ, बहुत सुंदर है, एड़ी के हैं, और मेरे को ऐसे लेने का मन हो रहा था काफ़ी दिनों से। मैंने एक जोड़ी इयर रिंग्स भी दिखाती हूँ अभी, और ये तो इसमें थी, इसमें रख देती हूँ, तो ये एक रुमाल अपने लिए, क्योंकि एक रुमाल ना मेरा सफ़र में, ये मैंने विटामिन ई के कैप्सूल लिए हैं, क्योंकि अब मैं अपना हेयर केयर करूँगी, जब आप
मतलब स्ट्रेट वगैरह कराते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह लगते हैं, तो उसके केमिकल वो तो खैर ख़राब होते ही है, पर फिर वो ना कुछ टाइम तक ऑयल वगैरह के लिए मना कर देते हैं। तो पिछले 5-6 महीने से मैंने तेल अपने सर में नहीं लगाया, कल रात लगा मेरे सर में तेल, तो मैं जो है अब अपनी थोड़ी केयर करूँगी बालों की, तो इसकी वजह से मैंने ये विटामिन ई का कैप्सूल लिया है, ये है, और साथ में इयररिंग्स भी है, मैं लेकर आती हूँ। ये इयररिंग्स कैसे लग रहे हैं, सुंदर है ना। मेरा सेट भी मन था एड़ी का लेने का, बट मुझे समझ नहीं आया तो मैंने लिया नहीं, सिर्फ कड़े और इयररिंग्स, छोटे छोटे से, ज़्यादा बड़े नहीं है बट सुंदर है। तो तीज वाले दिन आप देखेंगे, और ये मेरा ड्रेस भी था वो भी दिखाना था, पर अभी मैं कहीं जा रही हूँ तो अभी आपको नहीं दिखा पाऊँगी, ये भी मैंने बस जल्दी जल्दी दिखा दिया क्योंकि वो अलग है, ये तो मैं रात लेकर आई हूँ। और भाभी के लिए भी मैंने सामान लिया है श्रृंगार का, सूट तो मैं रश्मि कलेक्शन से ही लूँगी, तो वो श्रृंगार का सामान मैं अभी आपको नहीं दिखा रही हूँ, फिर भाभी को भी दिख जाएगा क्योंकि भाभी मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो इस वजह से मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ। मतलब श्रृंगार तो वही है, बस उसमें एक आधी चीज़ मैंने अलग से ली है, तो वो तभी एक दिन पहले दिखाऊंगी आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि भाभी को दिख जाएगा, उनको पता चल जाएगा, मैं नहीं चाहती, सरप्राइज रहना चाहिए ना उनके लिए। तो अभी उनके लिए तो मुझे सूट भी लेना है, सूट की शॉपिंग करनी है, क्योंकि मैं बायना देती हूँ उनको, और बायने में जैसे श्रृंगार का सामान, सूट्स वगैरह, ये सब सूट साड़ी जो भी हो। चलो फिर अब मैं भी निकलती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ चलिए, बच्चे स्कूल हैं कॉलेज हैं, फ़ोन सारे चार्ज कर लिए मैंने अपने, क्योंकि सफ़र में फ़ोन वगैरह चार्ज होने चाहिए, मैं थोड़ा दूर जा रही हूँ, रात तक आ जाऊँगी, 11-12 बजे तक आ जाऊँगी, माल लेने जा रही हूँ, जो मेरा माल दूर दूर से आ रहा है वो तो कांवड़ यात्रा चल रही है, मतलब जब ये मेरा वीडियो जाएगा तब तक तो हो जाएगा आज, क्योंकि जल है, ये वीडियो मेरा कल ही जाएगा, हाँ ये 2 दिन का वीडियो है कल और आज का, और ये कल ही जाएगा, आज तारीख है 2, कल है 3, तो आज का जल है, तो आज रात को ट्रांसपोर्ट खुलेगा, तो जो मेरा माल जगह जगह रुका हुआ है वो 4 या 5 को मुझे मिलेगा, तब तक मैं वेट नहीं कर सकती, तब तक मुझे खुद जाके लाना। अब वो माल तो चला गया, उसके तो पेमेंट हो रखा है, वो तो आएगा ही आएगा मेरे पास 2 दिन बाद 3 दिन बाद। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसके अंदर, साड़ियाँ हैं, बहुत सुंदर सुंदर रेडीमेड कलेक्शन है जो कि सूरत से आ रहा है, बहुत सुंदर सुंदर जयपुर और सूरत का माल है, लेकिन उत्तराखंड की मेरी पैर में ना मच्छर खा गया, उत्तराखंड की सीमाएं बंद है ना, जिसकी वजह से लेट हो गया, 10-12 दिन से मेरा माल रुका हुआ है एक ही जगह पे। चलो आज रात से शुरू होगा या तो कल सुबह से शुरू होगा ट्रांसपोर्ट, तो फिर आएगा कल आ जाए, परसों आ जाए, कल तो नहीं आएगा 3 तारीख को, 4 की शाम को या 5 को, तब तक मैं जाती हूँ लेकर आती हूँ चीज़ें, मेरा पर्स मैंने पैक कर लिया है, ये सामान मैं उधर रखूँगी जो आप लोगों को दिखाया है। कैसे लगे इयररिंग्स और कड़े, क्योंकि लिप शेड वगैरह तो चलो है ही, देखते ही रहते हैं। अभी मैं इयररिंग सोच रही हूँ पहन लूँ, एक सोच रही हूँ सफ़र में ना परेशानी करते रहने देती हूँ। चलो फिर, तो मैंने आपको बताया था ना आज मुझे कहीं जाना भी है, आज क्या मेरा हर हफ्ते होता है जाने वाने का, तो बस मैं निकल पड़ी थी, और मन बेचैन सा हो जाता है मेरा रास्ते में, रास्ते देख के बोर भी होती हूँ, क्योंकि पहले अच्छा लगता है, दूसरा जब आपकी थोड़ी सी परेशानी होती है आपको मतलब मन ख़राब सा होता है, मुझे वॉमिटिंग वगैरह नहीं होती लेकिन जी घबराता है, सर दर्द होता है, लेकिन सब चीज़ें कर रही हूँ, जो चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा दुखी थी, जिस चीज़ से मैं बचती थी सफ़र करने से, वो मैं कर रही हूँ क्योंकि काम है, करना पड़ेगा। तो चलो कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय, कल मिलते हैं।